मैं वर्षा धाकड़ नाला सोपारा सह ज्ञानशाला की तरफ से अक्षय तृतीया के पर्व पर एक छोटी सी नाटिका ज्ञानशाला के बच्चों के साथ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अक्षय तृतीया का संबंध भगवान ऋषभ से है। इस दिन वर्षतप का प्रारंभ होता है। वर्षतप का प्रारंभ हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ भगवान के द्वारा हुआ। पहले ये जानते हैं कि वर्षतप क्या होता है और क्यों होता है। इसका प्रारंभ चैत्रवदी अष्टमी के दिन होता है और इसका प्रारंभ अक्षय तृतीया के दिन होता है। तो आइए देखते हैं प्रभु का पूर्व जन्म का दृश्य। किसान हल हाँकते हुए बैलों को मार रहा है। उतने में भगवान ऋषभ का आगमन होता है। अरे भाई, क्या हुआ? इतने चिंतित क्यों हो और इन बैलों को क्यों मार रहे हो? क्या करूं भाई, ये बैल मेरी सारी फसल खा जाती है। एक काम करो, इन बैलों के मुंह पर एक कपड़ा बांधो, इससे इनको मार भी नहीं पड़ेगी और तुम्हारी फसल भी नहीं ये खाएगी। ठीक है। तो देखा आपने, बैलों के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ होने के कारण बैल 13 घंटा 30 मिनट तक भूख से तड़पते रहे। प्रभु के करुणामय भाव होते हुए भी उनको अंतराय कर्म का बंध हुआ। चलते हैं दूसरे दृश्य की ओर। भगवान कर्म युग छोड़कर धर्म युग की ओर चल पड़े। भगवान ने दीक्षा ग्रहण ली। भगवान अब भिक्षा लेने के लिए घर घर जाने लगे, लेकिन लोग भिक्षा विधि से अज्ञात थे। साधु संतों को क्या और कैसे आहार देना है ये उनमें समझ नहीं थी। कोई कन्या वहराने लगा, कोई दागिने वहराने लगा, लेकिन ये सब उनके लिए कल्पनीय नहीं था। प्रभु को ऐसे 400 दिन भिक्षा में आहार नहीं मिला। प्रभु को इतने दिन उपवास में रहना पड़ा। विहार करते करते प्रभु अब हस्तिनापुर पहुंचे। वहां श्रेयांश कुमार का राज्य था। वे प्रभु के पड़ पोते थे। पुण्यशाली राजा श्रेयांश ने जब प्रभु के दर्शन किए तो उन्हें जाति स्मरण का ज्ञान होता है और वह प्रभु का पारणा इक्षुर रस से करवाते हैं। अतः प्रभु ऋषभ देव के 400 उपवास के बाद वर्षतप का प्रारंभ हुआ। उस दिन से अक्षय तृतीया का महत्व और अधिक बढ़ गया और वह अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ओम नमः।